सुप्रभात बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इन दिनों पार्ट 9 चल रहा है, समाज सचिव एवं उनका प्रवेश। इसमें मैं आपको 20 से 25 तक लघु प्रश्न उत्तर करा चुकी हूँ और आज मैं आपको इसका अभ्यास कराने जा रही हूँ। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, आवाज। आवाज क्या होता है बेटा? किसी सजीव का वह प्रवेश, किसी जीव का वह प्रवेश जहाँ वो रहता है वो उसका आवास कहलाता है। जैसे मछली का रहती है जल में, तो मछली का आवास क्या हुआ? जल, है ना। शेर का रहता है जल में, तो शेर का आवास क्या हुआ? जंगल, है समझ आया। इसी तरीके से जो जीव जहाँ रहता है उसका आवास कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 है, कैक्टस वनस्पति में जीवन यापन के लिए किस प्रकार होते हैं? कैक्टस क्या है? एक मछली पौधा है। उसमें क्या होता है? कैक्टस मछली जीव यापन के लिए निम्नलिखित प्रकार से अनुकूलित है। कैक्टस की पत्तियां मरघोस की छोटे छोटे कांटों जैसी होती हैं। हम देखते हैं कि उसकी पत्तियां बहुत चौड़ी होती हैं, लेकिन वो जो चौड़ा हिस्सा होता है वो उसका तना होता है, पत्ती नहीं होता है। और उसके चारों तरफ जो छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं वो कैक्टस की पत्तियाँ होती हैं, समझ आए। अपार्ट 2, इससे वास्तुसर्जन के दौरान जब सूर्य का इससे क्या होता है? वास्तु उत्सर्जन के दौरान इससे बहुत कम पानी उत्सर्जित होता है। तो ये पौधे आप और हम सब जानते हैं ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर पानी कम होता है और वो उसको अपने अनुकूल ढाल लेते हैं, इसलिए ये मरुस्थल में पैदा इसके पौधे पाया जाता है, क्योंकि मरुस्थल में पानी की मात्रा कम होती है और ये कम पानी में ही उग जाते हैं। कैक्टस के तने पत्तियाँ जैसी संरचना में रूपांतरित होते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि कैक्टस का जो पौधा होता है उसकी जो तना है वो पत्तियों की तरह लगता है, देखने में वो पत्ती की तरह लगता है, लेकिन होता वो तना है। उसके चारों तरफ जो छोटे छोटे कांटे होते हैं वो उसकी पत्तियाँ होती हैं। ये मोटा होता है और स्पंजी होता है और यह एक मोटी मोम परत से उठा हुआ होता है, जिससे पौधे को जल संरक्षण की सहायता होती है, जिससे कि वो जो उसका तना है वो पानी को क्या करता है? रोकता है, उसको धीरे धीरे यूज करता है। इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक पोषित होती हैं। क्यों होती हैं? जल को अवशोषित करने के लिए वो मिट्टी में काफ़ी गहराई तक पहुंच जाती है, इससे जल का अवशोषण भरपूर मात्रा में हो पाता है, ठीक है बच्चों। और इसके बाद हमारा नंबर आता है रिक्त स्थान का। तो रिक्त स्थान के जो उत्तर हैं वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आप सभी इसमें से देखकर स्थान पूरे कर लेंगे। मैं एक बार आपको रिवाइज जरूर कराऊंगी। क्या पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं क्या कहलाते हैं? अनुकूल। क्या कहलाते हैं? अनुकूल। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थल्य आवास कहते हैं। जो स्थल पर पाए जाते हैं वो स्थल्य आवास, जो जल में पाए जाते हैं वो जल्य आवास। वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं। और अभी मैंने बताया स्थल में पाए जाने वाले स्थल्यवास और जल में पाए जाने वाले जल्यवास। मृदा जल एवं वायु किसी आवास के कौन से घटक है? जीव है, जाल होती है मिट्टी में, नहीं ना, तो ये अजैव घटक है। मृदा जल और वायु किसी आवास के अजैव घटक है। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति अनुक्रिया करते हैं तो क्या कहलाता है? उद्दीपन। क्या कहलाते हैं? उद्दीपन। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर चार। तो इसका भी मैं उत्तर आपको यहीं पर लिख रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। बस इसमें जल कुंभी और केचुआ सजीव है, बाकी सब निर्जीव है। तो देखिए हल, ये प्रश्न नंबर
आता होता है बच्चों, हल छत्र सिलाई मशीन और इतना तो पता नहीं होना चाहिए। मैं नहीं हूँ कभी कि मिडिल कौन सी और सभी कौन सी है। आप सिक्स में आ गए। रेडियो रेडियो और नाव, ये क्या है? निर्जीव वस्तु। ठीक है बच्चों, तो आप ये राइट करेंगे। अब आपका होमवर्क है, अभ्यास में एक से लेकर चार प्रश्न तक आपने होमवर्क में लिखना है और याद करना है।